हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, संक्रांति वाले रात का है वीडियो। और हम लोग अभी बाहर खड़े हैं, मैं और मित्तल मैन। हम लोग उनके हस्बैंड का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने। तो वही अभी यहाँ पे मैं एक्टिवा पे बैठ गई हूँ और भैया दूसरे एक्टिवा पे है। तो हम लोग तीनों जानी जा रहे हैं डिनर करने। और डिनर करने के बाद से, और ये देखिए आगे भैया जा रहे हैं और पीछे हम दोनों हैं। तो हम लोग डिनर करके फिर आ जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उस रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए चाइनीज़, लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन फिर से हम लोग उसी के अंदर गए तो हमें पाव भाजी नहीं मिला। तो ये सारा था वहाँ पे, लेकिन तो भी डिनर करके आए, अच्छा अच्छा डिनर था। और हम लोग आके बैठ गए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी और हंस रहे थे हम लोग। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखिए, मैं नाश्ता कर रही हूँ पोहा मित्तल बहन के दरवाजे पे बैठ के, क्योंकि धूप में बैठी हूँ। और दो तीन दिन से मेरा ब्रेकफास्ट यहीं पे हो रहा है, क्योंकि दो तीन दिन से ये घर पे है। तो ब्रेकफास्ट हमने डिसाइड किया था कि इनके वहाँ करेंगे। और साथ में नीचे आ गई हूँ, मोबाइल गिर के टूट गया था तो उसका स्क्रैच गार्ड लगवाने आई हूँ। स्क्रैच गार्ड टूटा है और इसमें आज मैंने दो तीन चीज़ों का अनबॉक्सिंग किया है। और एक बड़ा चीज़ भी मैंने लिया है जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, फिलिप्स की इस्त्री ली है, मुझे आइनिंग करने के लिए चाहिए था। यहाँ पर आइनिंग वाला कोई है नहीं, है लेकिन थोड़ा दूर दूर पर है। तो अभी जब इमरजेंसी के लिए चाहिए रहेगा तो मैं अब क्या बाहर तो नहीं जाऊँगी ना, तो इसके लिए मैंने एक ले लिया। ये मुझे कुछ अराउंड 900 का समथिंग पड़ा है, जो भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी नया घर है तो थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ज़रूरत लगने वाली चीज़ें तो वो लेनी ही पड़ेंगी ना। तो इसमें वारंटी है 2 ईयर्स की। तो यहाँ पर उन्होंने स्टम्प लगा के मुझे दिया है ये कार्ड में। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाहर बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा प्रेस हो जाता है इससे। मैंने कॉटन के कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रेस हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत ही अच्छा, और कलर भी बहुत खूबसूरत है, ऑरेंज कलर। पता नहीं धूप है इसके लिए लाइट ऐसा दिख रहा है आपको। और ये प्लग है इसका। और यहाँ पे देखिए, कुछ पार्सल्स मैं पैक कर रही थी अनबॉक्सिंग करने के बाद से। और उसके बाद से यहाँ पे मैं शाम की ग्रीन टी पी रही हूँ कि सुबह की पी रही हूँ आइडिया नहीं है, क्योंकि एडिटिंग करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि कब की है कब की नहीं। हाँ, सुबह की है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। और ये वीडियो ना 4-5 दिन से चला रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पर नेक्स्ट डे मतलब जो पोहा खाया था वो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल से अभी ब्लॉग चालू कर रही हूँ, मतलब कल ब्रेकफास्ट का मैंने बनाया था, वहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और आज यहाँ पे सुबह सुबह आपने देखा नाश्ता किया। तो फ़िलहाल अभी बैठी हूँ बाहर ब्रेकफास्ट करके। अभी मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन ले लूँगी। और उसके बाद से बर्तन धो लिया सुबह सुबह मैंने। पीछे आज मैंने गैलरी में बर्तन धोए। गैलरी मतलब वो पीछे को क्या बोलते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, जहाँ पर मैं बैठती हूँ। गैलरी बोलते कि क्या बोलते, तो वहाँ पर बैठ के मैंने बर्तन धोया। मैंने आपको नल का प्रॉब्लम बताया था ना कि वो नल टूट गया है एक्चुअली, तो वो वारंटी में था तो उसको लेके गए तो 2-3 दिन लगेगा। तो जब वो छोटा वाला नल लगाया ना तो किचन प्लेटफॉर्म पे ही पानी आ रहा है, तो वो बहुत बेकार लग रहा है। फिर पूरा प्लेटफॉर्म साफ करना पड़ रहा है। तो मैंने फिर कल रात को, कल दोपहर में भी वहाँ पे धोया गैलरी में, और अभी भी धो लिया। बहुत मज़ा आता है धोने के लिए। तो अभी धो लिया मैंने। और नीचे पानियों की गाड़ी जा रही है, जो डब्बे होते हैं ना उसमें पानी देते हैं लोग, यहाँ पर ये ऐसे पानी देते हैं, ऐसे गाड़ी आती है पानियों की, और सब अपने अपने डब्बे लेके जाते हैं भरने के लिए। तो देखा आपने, वैसी पानियों की गाड़ी आती है, जिसको चाहिए रहता है वो अपने डब्बे लेके आते हैं और भर लेते हैं। तो सुबह सुबह गई थी मैं बाहर, आज बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा। तवा पिज़्ज़ा बनाऊंगी क्योंकि ओटीजी तो नहीं है, ओटीजी लेना है। ओटीजी नहीं है तो वही देखते हैं कैसे क्या होता है। तो तवा पिज़्ज़ा बनाऊँगी, उसके लिए मैं पनीर चीज़, हाँ एक्चुअली सब मिल जाता है यहाँ पे, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। तो पनीर और चीज़ लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा सॉस मैं घर पे बनाऊँगी, रेडीमेड वाला नहीं डालूँगी। कल मैं नीचे सुपरमार्केट से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो और पीरी पीरी मसाला सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो आज पिज़्ज़ा ब्रेड नीचे बेकरी है जिनका, ये है ना सो मतलब सोसाइटी पूरा उनका ही बेकरी है, तो वो वहाँ से मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड लेके आई हूँ। तो कुछ नहीं, कल रात को हमने टमाटो सूप बनाया था, बहुत मस्त बना था। टमाटो सूप की रेसिपी बहुत पहले लोगों ने मांगी थी, दे दूंगी मैं फिर कभी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, मस्त लगता है, एकदम पी के मज़ा आ जाता है। तमिलनाडु बैठी हूँ, मेरे हैडी अभी झाड़ू गाड़ू बाहर के, तो गैलरी की वो लड़की झाड़ के गई, जो आते हैं बच्चियाँ वो झाड़ने के लिए।
तो वो झाड़ के गए और फिलहाल अभी मुझे घर में झाड़ू मारना है, मैंने नाश्ता पहले कर लिया, तो यही चलता रहता है। तो चलिए आपको मिलती हूँ बाद में जब कुछ रेसिपी बनाऊँगी तब, या तो कुछ काम करूँगी तब। और यहाँ पे और एक पार्सल आया है मेरा, इसमें क्या था मैं भी भूल गई, अभी इसको अनबॉक्स। हाँ हाँ, इसमें थर्मस है, पानी गर्म करने वाला केटल है, वो उसको अनबॉक्स कर रही हूँ। बाहर ही बैठ के कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है इसके लिए मैंने धूप में बैठी और वहीं पे कर रही हूँ। यहीं पे मैं बैठी थी तो आके देखे गया, तो वही जो पिजन का मैंने लिया था ना बॉम्बे में, सेम वही मैंने मंगाया है, क्योंकि वो पिजन वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने मंगा लिया। तो वहाँ से नहीं लेके आई क्योंकि वहाँ पे बच्चों को भी लगता है ना गर्म पानी का केटल, इसलिए मैंने नहीं लाया। और ये देखिए सेम है वही, मैंने वापस से मतलब उसी अमेजोन से ही मंगाया, सारी लिंक मैंने डाल दी तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें ली हैं सब डाल दिया है, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसमें पानी डाल के, यहाँ पे मैंने केटल लगा दिया है और यहाँ पे सारी सब्जियाँ रखी है मैंने, एक्चुअली रेसिपी बनानी है इसके लिए सारी सब्जियाँ यहाँ पे रखी हुई है। तो चलिए पहले इसमें पानी डालते हैं, धोते हैं पहले इसको फिर पानी डालते हैं। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, गर्म हो जाएगा तो बंद कर देंगे, इसे ऑटोमेटिक बंद होता है, ये ऑटोमेटिक है और ये वारंटी कार्ड, इसको मैं रख देती हूँ। और जब तक चीज़ें मैं लगा रही थी तब तक ये दूसरा वाला तीसरा वाला पार्सल भी मेरा आ गया, मतलब एक ही दिन में मेरे 3-4 पार्सल आ गए। तो यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो फ्रिज मेरा आ गया है और उसको अभी रख रहे हैं, तब तक ये और एक पार्सल मेरा आ गया। तो मतलब आज ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, एक्चुअली सारा पे था, मुझे कुछ भी पे नहीं करना था, मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। तो ये एक रखने वाला मैंने मंगाया है, तो अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ जब तक वो लोग फ्रिज रख के गए, क्योंकि उसका अनबॉक्सिंग तो अभी वो जब आएंगे तब वो करके देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह बज रहे हैं 7:30 बज गए और वेदर बहुत अलग लग रहा है, और यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और बैठी हूँ सुबह सुबह बाहर। मैं आपको बैक कैमरा करके वेदर दिखा, बैक कैमरा नहीं दिखा, अभी सूरज भगवान क्या चांद मामा भी अंदर नहीं गए, नीचे नहीं गए, दिखाती हूँ। चांद मामा वहाँ पर है, वेदर देखिए कितना मस्त हुआ है सुबह सुबह का, बादल थोड़ी छाई हुई है, बारिश होने के चांसेस है ऐसा लग रहा है। सुबह सुबह कॉफ़ी पी रही हूँ, बैठ के ठंड लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है, पहले जैसी ठंड नहीं लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो चलिए मैं फटाफट कॉफ़ी पी लेती हूँ। और नई चीज़ जो वीडियो में देखी कल आपने, कल देखी या इसी वीडियो में देखी, नई आइडिया आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही थी, मतलब 7 बज गया था, तो उसके बाद 10:30 बजे ये पार्सल आ गया, और ये पार्सल तो एक्चुअली मुझे रिटर्न करना पड़ा। और आपने वो पार्सल देखा जो छोटे छोटे थे, वो क्ले के थे, तो वो डिस्पैच हो चुके, मतलब वो मैंने भेज दिया, डिस्पैच ही हो गया है यहाँ से। और ये कुछ क्रॉकरी सेट मंगाया था जिसमें से देखिए एक बाउल टूटा हुआ था, तो मैंने इस पर रिटर्न पर डाल दिया। ये 35 पीस का सेट मंगाया था मैंने, बट टूटा हुआ था इसके लिए मैंने नहीं रखा, एक ही बाउल टूटा था, बाकी ये बहुत ही अच्छा था, अभी मैंने वापस से मंगाया है। और जब तक उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी तब तक वो भैया भी आ गए जो इनका डेमो देने वाले थे, वही बॉक्स ओपनिंग किए, और जो वारंटी वगैरह रहता तो वो लोग ओपन करके सारा देखते, डेंट वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें देख के फिर क्लियर करके पेपर पे साइन वगैरह करके लेके चले जाते और सारी चीज़ें बताते कि इसको कैसे यूज़ करना है क्या है। इसमें आइस बॉक्स भी बहुत अच्छा है, ट्विस्ट करने वाला है, तो मैंने ये डबल डोर का लिया क्योंकि मुझे नॉनवेज वगैरह रखने के लिए ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, और यहाँ पर क्योंकि नॉनवेज लेने के लिए ना बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार ले लूँ। और यहाँ पर दीदी भी है, तो ये कैसा लगा फ्रिज प्लीज़ मुझे कमेंट करना है। सारी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर मंगाई हैं जो यूज़फुल है, देखिए अंडे भरे कि नहीं पता, लेकिन फ्रिज चालू हो गए तो मैंने रख दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और प्रोडक्ट का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर मैंने पनीर मसाला बनाया था जिसकी ईटिंग वीडियो जा चुकी है, तो चेकआउट कर लेना फूड मोड पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये शेज़वान चटनी बना के रखा है मैंने।